तो यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब, आई कुछ सब बढ़िया होगा। सो गाइज, आज के व्लॉग में दिखाने वाला हूँ मैं क्या महीम दरगाह, जो मुंबई में है और वहाँ पे जहाँ पे वो सिंगम मूवी का एक सॉन्ग भी शूट हुआ है, ठीक है, जहाँ पुलिस लोग सबसे पहले, मतलब मैंने सुना है कि उस दरगाह पे सबसे पहले पुलिस लोग चादर चढ़ाते हैं, आई मीन जो चादर होता है वो पुलिस लोग चढ़ाते हैं। तो मैंने सुना था, बाकी एक मूवी भी मैंने देखा था सिंगम मूवी, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ दिखाया गया था। तो मेरे को महीम दरगाह के बारे में मुझे तो पता नहीं, तो मेरे फ्रेंड लोगों ने बताया, तो फिर मैंने सोचा यार क्यों ना मुझे महीम दरगाह जाए, आई मीन जाना चाहिए। तो ठीक है, आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, पर थोड़ा क्या, हमेशा ही लेट आता हूँ, हर बार ही लेट आता हूँ मैं, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं महीम दरगाह की ओर, और कैसे कैसे जाएंगे वो सब बताएंगे, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कि उधर कौन सा स्टेशन, उससे पहले कौन सा स्टेशन पड़ता है, ठीक है। जो भी होगा इस व्लॉग में दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं पहले रेडी हो जाता हूँ फटाफट, ठीक है, रेडी होने के बाद फिर मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। हो ना, इस व्लॉग में मम्मी जा रही है, आसिफ जा रहा है और कृष्णा जा रहे हैं, हम लोग चार लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, हम रेडी। ओके, तो फाइनली गाइस मैं रेडी होके नीचे आ गया हूँ, और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है काम बहुत जल्दी हो जाएगा और हमें इतनी जल्दी में मतलब सब कुछ कवर करना है, ठीक है। तो ये देखो मम्मी चल रही है, कृष्णा, आसिफ, और मेरे घर के बाहर का व्यू देखो कितना प्यारा है। अगर पहचान सकते हो तो भी पहचान लो। फोटो करते हैं, ठीक है। मम्मी कहाँ जा रही है आज की, कौन सा महीम दरगाह, चलोगे क्या स्टेशन? चार लोग हैं हम लोग, चार लोग हैं। हाँ ठीक है, कोई नहीं। वो कैसे बैठेगा, उल्टा पुल्टा क्यों बैठ गए तुम लोग? भाई मम्मी तू जरा जरा इधर बैठ, तू बाहर निकल, उसको गोदी में बैठा, तो उसको गोदी में बैठा, वो लंबा है तो उसकी गोदी में बैठना। भाई क्या कर रहा है, जिन्ना का चलो साइड में, एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने, स्टेशन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग दिखते हैं डायरेक्ट स्टेशन की ओर, आई मीन स्टेशन की तरफ, ठीक है। पहले देखो आज हम जा रहे हैं महीम दरगाह, जा रहे हैं ऑटो वाले भैया, थे चलाओ थोड़ा, चलते रहो चलते रहो। क्या हुआ भाई, दर्द हो गया इसके पैरों में, पहले बिठा लेता भाई, ज्यादा हीरो बन रहा था, जांग पे बिठाने वाला। ये भारी है ना, कृष्णा हल्का है, 1-2 किलो भारी है, कृष्णा से ज्यादा भारी है, 1 किलो ही तो है, मैं बचपन का तो छोटा बन का हूं। हम लोग पहुंच चुके हैं मीरा रोड स्टेशन, अभी इधर से पकड़ेंगे हम लोग लोकल ट्रेन, अभी मैंने पता किया है, यहाँ से पहले मैं फास्ट लूँगा बैंड्रा तक, बैंड्रा से फिर पकड़ूंगा स्लो महीम स्टेशन के लिए, ठीक है। इधर कुछ प्रोग्राम हो रहा है आई थिंक, चलते रहते आगे, उससे पहले मैं लूँगा ट्रेन, पहले तो आज का मेरा लुक देखो। अंदर मम्मी जल्दी आ, जल्दी 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 गाइस, आओ बैठ जाओ तुम लोग भी, तुम खड़े रहने, देरी भी दूर है भाई, अब बैठ जाना, क्यों खड़ा होता है, बैठ जा। गाइस फाइनली आज हम लोग को सीट मिल गया, और आज हम लोग विदाउट टिकट है, देखते क्या होता है। मम्मी टीटी बनाएगा तेरे को पकड़ेगा,
तुमने टिकट नहीं लिया है। कह रही है बोल दूं कि मैं भीड़ तस्ले नहीं लिया, मैंने उन्हें अच्छा भी फाइन भीड़ भैया 500 रुपये का। क्या बोल रहे हैं? कपड़ा हो रहा है अभी, हम लोग पकड़ लिया फास्ट, हम लोग स्लो पकड़ना था, अभी हम लोग बैंड्रा उतरेंगे, फिर बैंड्रा के बाद स्लो लेंगे मरीन के लिए, तो चलते रहते हैं आगे। ये देखो कैसे लटका हुआ गंडुआ, जगह होती है अभी। देखो पहुंच गए, आज हम लोगों ने 3 ट्रेन चेंज किए हैं, 3 ट्रेन माइन स्टेशन। गाइस हम लोग कितना टाइम इसलिए लगाने के लिए क्योंकि हम लोगों ने 3 ट्रेन चेंज किया है। अगर मैं मेरा रोड से एक ही ट्रेन लेता तो उसमें टाइम लगता स्लो, पर हम लोगों ने फास्ट किया था अंधेरी तक का, फिर अंधेरी से हमने बैंड्रा का लिया, ठीक है, बैंड्रा से फिर हम लोगों ने माइन का लिया, फिर माइन से एक अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट माइन से नीचे उतरते ही स्टेशन पे, ठीक है, उतरते ही मतलब थोड़ा चलते ही पैदल, अभी मैं चल रहा हूँ ये देख लो, ठीक है, थोड़े से पैदल चलते ही देखते, वो बोला तो है कि दरगाह आगे है, ठीक है, मैंने देखा नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, बाकी पैदल पैदल चल रहे हैं, देखते हैं कि दरगाह मतलब स्टेशन से कितना नज़दीक, ओके तो चलते रहते आगे। आसिफ चल रहा है रास्ता ढूंढते हुए, दिखा दिखा क्या, फाइनली गाइस आसिफ बोल रहा है कि दरगाह दिख चुका है, या राइट, या गाइस दरगाह सामने है, आपको कुछ नहीं करना है, स्टेशन से बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा आगे चलना है, फिर वहाँ से लेफ्ट लेके सामने दरगाह दिख जाएगा, तो अभी तो मुझे दरगाह दिखे, आप लोग को दिखेगा नहीं क्योंकि मतलब बहुत दूर में मतलब कैमरा दिख रहा है आपको, ठीक है, तो हम लोग चलते रहते आगे, फिर मिलते हैं थोड़ा सा दरगाह के पास, ओके, मेरी मम्मी और ये आ रहे हैं, मैं सोच रहा रिक्शा कर लूँ यार क्योंकि लंबा चलना पड़ेगा, पर अब क्या रिक्शा करना क्योंकि अब तो हम यहाँ से निकल गए, ठीक है, चलते रहते आगे। सो गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, ये देखो अभी हम लोगों ने आधा रास्ता चल लिया है, ठीक है, सो बस नज़दीक रह गया दरगाह, मैं दरगाह के लिए चल के आऊँ, आज मैंने रिक्शा वक्शा नहीं किया, एक्चुअली मैं रिक्शा में मतलब बैठता हूँ हमेशा, हूँ मतलब पैदल चलता ही नहीं, तो आज मैं देखो पैदल पैदल चल रहा हूँ, ठीक है ना, तो चलते रहते आगे, तो मिलते नहीं छोड़ सकते, फिर बोलना तुम लोग को, फिर फॉलो क्यों कर रहे, तो ठीक है, मालूम है, हाई कर दो इधर सारे आ जाओगे, ठीक है, इसको हम लोग मिलते थोड़ा सा आगे। ये देखो ये आई थिंक अभी बन रहा है थोड़ा सा साइड में, तो इतना स्पेस थोड़ा कम मिला है अपने को, वो सब उधर से घुस गए और मैं किधर से आ गया, मैं भी अंदर जा रहा हूँ भाई, उधर से क्रॉस करना पड़ेगा। गाइस मेरी स्कूटी ओ दिल्ली वाली, सब लोग चले गए अंदर, मैं रह गया हूँ सबसे लेट साइड में ही हूँ। अरे ये क्या था, अलग जगह आ गया मतलब।
आजकल माथा से लग रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया यार। सॉरी यार, वो मतलब नॉर्मल दरगाह था वो, मतलब बाकी जो महीन दरगाह नहीं था। कभी कहूँ थोड़ा बाहर से इतना स्पेस में रहनी, और मैंने सुना था कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस वगैरह, तो किसी ने बोला कि थोड़ा और आगे चलो, ठीक है उधर है दरगाह। तो अभी हम जा रहे हैं, मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं इस टाइम। यार माँ कसम आज का दिन याद रहेगा, बहुत पैदल चला रहे हैं अपने पास बुलाने के लिए। ठीक है कोई नहीं, मैं चलूँगा, बट उनसे जो मांगा है, मांगने जा रहा हूँ वो उनको देना पड़ेगा। चलते रहते हैं गाइस, मिलते हैं महीम दरगाह के पास। ओह फाइनली गाइस, मैं बहुत चला हूँ महीम दरगाह के लिए, यहाँ तक आने के लिए। सो वो देखो सामने दरगाह है, अभी थोड़ा सा और चल लेता हूँ, ठीक है मिलते हैं दरगाह के पास डायरेक्ट। ओके ले लिया क्या, कितना हुआ? दे रहा हूँ एक सेकंड। दरगाह पहुँच गए और मैंने मतलब दरगाह के लिए मतलब सामान ले लिया है, ठीक है, ताकि मंदिर जो मांगू वो पूरा हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है, तो सारे चप्पल पर निकाल दिया छोटे ने। छोटे का नाम क्या है? सुमान। कौन सी बड़ी देगी तूने मेरी? अच्छा ठीक है, बोलो ना गाइस। सुल्तान ना, ठीक है गाइस, मिलते थोड़े साथ। ये अंकल ने फ्लावर दिया, सो नेक्स्ट टाइम आओ तो इनको इनके पास आओ। आज ये वीडियो बना लाउड नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत शोर ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा आते हैं। तो दरगाह से अंदर आ चुके, आई मीन अंदर से बाहर आ चुके हैं, और बोले सुकून मिला ऐसे अंदर गए कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ, और इतना अच्छा लग रहा है बताने। ये देखो हम लोग बैक साइड आ चुके हैं, जब लोग वीडियो वगैरह बनाना होगा, यहाँ वीडियो बनाना मन नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि यहाँ तो क्राउड में ज़्यादा और थोड़ा अंदर से अच्छा लगा, मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का। मतलब पता नहीं क्यों, जो भी थोड़ा बहुत बनाया मैंने मतलब बना लिया, पर ये आज से बॉर्डर ही बनाने का कुछ कदम मानते हैं। तो ठीक है अभी हम लोग चलते थोड़ा आगे गए, क्योंकि खाते पीते फिर लेते हैं। देखो मम्मी कैसा लगा अंदर जाके, मज़ा आया? क्या क्या मांगा नहीं बताएगी, कह रही तुम तो जाने नहीं दिया अंदर, जान गया कुछ बताऊँगा। गाइस मैं इनसे कुछ मांग के आया हूँ, ठीक है ना, अगर वो मेरा पूरा कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं भी चद्दर चढ़ाऊँगा इनको। आसिफ कैसा लगा अंदर जाके? बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे लेडीज़ से बोल रहा है कि हम लोग अंदर से आ गए, जाओ अभी तो फिट है। और देखो कितना बड़ा पराठा। सो गाइज अभी हम लोग चल रहे हैं बाहर की ओर, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, सुकून मिल गया। फ्रूट्स वगैरह खाएगी मम्मी? फ्रूट्स वगैरह खाएगी? तुझे खाएगी? आ जा खाएगी तो। मम्मी का फ्रूट लाते हैं, कितना है भाई? 40। ये ले, तुम लोगों को लेने हैं क्या? कुछ और खाते हैं, मतलब हमारे मम्मी और अच्छा लग जाएगा, तू खाना रुक जाते रुक जा मम्मी, ये ले हाथ गंदा कर लेते एक सेकंड में। मम्मी तो मम्मी होती है। गाइस आने वक्त में पैदल आए थे, पर जाने वक्त में पैदल नहीं चलूँगा। चलते रहते हैं स्टेशन की ओर। हम लोग हो चुके हैं महीम स्टेशन, याद जाएंगे घर, और आज इस लोग मैं दिखाऊंगा कि हम लोग
ट्रेन में कितने धक्के खाने वाले हैं ये देखो। चलते रहो चलते रहो। मम्मी थकी आज? मम्मी ज़्यादा नहीं घूमी, घूमी। मम्मी कहती मुझे बीच पे ज़्यादा मज़ा आता है। चल तो को बीच पे लेके चलूँगा। ले गई कल परसों जाने की नदी बैठाई बोला चल। भूख लग गया था तो फिर मैंने उनके लिया बर्गर और ये लिया ओरियो शेक। तो ये खाते हैं, खाने के बाद हम लोग जाएंगे घर। तो अब क्या दिखाना है इसमें, तो हम लोग करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, बाय बाय टाटा। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। अम्मी कैसा लगा? अच्छा है। चल बर्गर खाओ, खा खा खा। बाय बाय।